हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमसे एंड यू आर वॉचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि ज्योति मौर्या SDM, उनकी बेवफाई की खबरें और चर्चे जो है वो इंस्टा पे और सोशल मीडिया पे ऐसे फैले कि दो तरह के लोग हमें नज़र आ रहे थे। एक वो लोग थे कि वो ये कह रहे थे कि भाई देखो, ये नुकसान होता है जब आप लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा देते हो, या फिर कुछ ये कह रहे थे कि ये नुकसान होता है जब पढ़ाने के बाद आप जॉब करवा लेते हो। तो वेल, ये मेरे ख्याल में अपनी अपनी नेचर होती है जी। अगर आपके अंदर कह लें चीट करने का अगर है आपके, आप कह लें नेचर में, तो फिर आप पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो, चीट आप करते ही हैं। तो देखते हैं क्या सीन है। SDM ज्योति मौर्या इज गिल्टी। अलोक एंड ज्योति मौर्या का सच, देविका गुप्ता। देखते हैं ये वीडियो, स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए 3-2-1 है। तो दोस्तों, एक और पॉइंट मिल चुका है समाज को बहु बेटियों को ना पढ़ाने का, अच्छा थैंक्स टू ज्योति मौर्या। क्यों, क्या हुई? जिनको नहीं पता ज्योति मौर्या कौन है, तो वो थोड़ा एक थोड़ा बहुत ही पढ़ते ज्यादा मासूम SDM है बहुत ही उनके मासूम। अकॉर्डिंग, मैंने कुछ नहीं किया। पर गद्दार भी है अपने पति आलोक मौर्या के प्रति। अरे यार, उसने जहां सूर्यवंशम आजकल देखी के होगी 14 साल की उम्र में जीने और मरने की कसमें खा रहे सूर्यवंशम हैं, देखने के शादी बाद करने के उसने लिए कहा मरे मैं भी जा रहे पढ़ा हैं, वही लिखा अपने के इसे बेटे कलेक्टर अपने 13 साल बनाऊंगा। के शादी के रिश्ते को आग लगा रही हैं। तेरा तो गेम एक बचा और है। भी तो थी तो वही वो बात जो शुरू करते सबवे हैं। में शुरू घूम से रही थी। बात है 2010 की, जब ज्योति मौर्या आलोक मौर्या की शादी हुई, पूरे गांव मोहल्ले ने मजे में दावत खाई। उस वक्त आलोक भैया तो सफाई कर्मचारी और ज्योति भाभी को पढ़ाई लिखाई करने का बड़ा ही शौक था, सही। तो भैया ने बोला ठीक है हम पढ़ाएंगे। अरे वाह, गुड आइडिया। कम सैलरी होने के बाद भी आलोक भैया ने इधर उधर से पैसे इकट्ठा करके बहुत मेहनत करके इनको पढ़ाया लिखाया। तब जाकर के 2016 में इन्होंने अपना PCS का एग्जाम क्लियर किया और SDM बन गई। और फिर ज्योति भाभी ने गया। क्रिकेट से भी तेज अपना रंग बदल लिया, जैसे फेमस और पैसा कमाने के बाद इन लोगों ने। हाँ। मुझे क्यों तोड़ा? भाभी में आ गया है एटीट्यूड कि भैया अब हम में आ गया है एटीट्यूड, तो अब तुम मैं किसी सफाई को करने मुंह नहीं वाले लगाऊंगी, जाहिल अनपढ़ हैं, कहीं और दिल लगाऊंगी। शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। इसका सर भाई कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध। अब उसका अफेयर है तो उसे जानकारी जाने दे, करीब साल भर पहले फायदा हुई, लेकिन नहीं सर है, वो उन्होंने के कहा कि चीटी दोस्ती है। करेगी। खैर सर, हमारी पत्नी सर SDM थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रही। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो ही सकती सर, अधिकारियों से बात साथ बैठना उतना तो 2020 में ज्योति भाभी मिली मनीष दल्ले से, मेरा मतलब महीन महेश महेश नहीं वो तो महेश है, सॉरी मनीष दुबे से, जो कि होम गार्ड कमांडेंट है गाजियाबाद। फिर गया, फिर धीरे धीरे बातें हुई, चैटिंगे हुई और इश्क हो गया। इश्क बड़ी जल्दी हो रहा है यार आजकल शादीशुदा औरतों को। मनीष दुबे निकले महेश दल्ले, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि ये भी शादीशुदा है, मतलब कि इनका भी एक्स्ट्रा मैरिटल। अरे कहां शादीशुदा लोगों को बड़ी जल्दी इश्क हो रहा है? अपनी सगी वाइफ छोड़ करके दूसरों की वाइफ पटा रहा है, इसको कोई क्यों नहीं ले रहा लपेटे में? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है भाभी। आस्तीन का सांप नहीं, आस्तीन का एनाकोंडा निकली। जब इनको पता लगा कि भैया अब तो मैं फंस गई, अब तो मैं खत्म हूं, तो उसी पे केस कर दिया। किसी लड़के से बात की तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया, तो उन्होंने उस पे कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो, यह करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है आप मरवा दीजिए। तो कहे मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। पगली प्लानिंग तो अच्छे से करती है, ऐसे कौन बोलता है? पढ़ी लिखी गवार गोबर फराका तुम्हारे भेजे में। धमकी आपने दे दी पर कोई और दुश्मनी निकाले तो फर्स्ट तो तुम्हें जाती ना, कि धमकी तो इसी महिला ने दी थी, इसी ने किया जो किया है। क्या SDM बन गई रही है भाई? मारने मारने के सही में धमकी मिली कि नहीं वो हमें नहीं पता, पर आलोक भाई फुल फॉर्म में आ गए उनकी वाइफ और मनीष दुबे की चैटे पढ़ने के बाद, चैट के चैट उनके सारे काले धंधों के पेपर साथ लेके घूम रहे की ये देखो ये है मेरी बीबी की सच्चाई। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर, मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर, मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ। ये तो सबूत ही ले आया, ये उसकी SDM की नौकरी खा जाएगा। इतना ब्लैक मनी कमाया है इसने, महीने में 6-6 लाख रुपए आते थे इसके पास, सब दिखा दिया मीडिया को। इससे अच्छा फिरौती मांग लेता यार कि इतने पैसे दे, नहीं तो नहीं, तेरी सारी असली मीडिया को दिखा दूंगा कितना घूस लेती है तू। ओए चुप हो जा, ये कोई जगह है ये सब बात करने की? ठुकरा के मेरा प्यार आजकल का जमाना नहीं है भाई, हीरा ठाकुर बनने का। हाँ सही बात है, मैंने कहा ना वो असल जिंदगी में सूर्यवंशम देख के इंस्पायर हुआ, और हीरा ठाकुर जैसे सारे लड़के हैं भी नहीं। लोग ऐसे डर गए हैं कि SDM वर्ड सुनते ही लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स को ब्लॉक मारने लग गए हैं। एक और भी तो आई है, उसने भी पिंक ही पहना हुआ, और ये वही लड़के जो रोज मलाइका अरोरा के कमेंट बॉक्स में
जा करके शुगर मोमी लिखते हैं। ये वही लड़का जो अपने गर्लफ्रेंड के बाप से एक्सेप्ट करता है कि हमारे मुंह में पैसा फेंक के मार दो तो तुम्हारी लड़की छोड़ देंगे हम। झूठी उम्मीद में बड़ा मजा आता है। ये वही लड़के जो अपनी बहन को 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलने देते, अपनी गर्लफ्रेंड को नाइट आउट करना है। हिपोक्रेट्स। अब इन कुछ लाइन से मैं मान लू कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, सब एक से ही हैं, नहीं ना? तो सारी ज्योतियां भी एक जैसी नहीं है। भारत की सभी औरतें सजा क्यों भुगते हैं? ज्योति मोरे वाला केस देखने के बाद बिहार में ये हो रहा है। पति चाहते हैं कि मैं अब आगे ना पढ़ूं, क्योंकि जो यूपी की घटना हुई है ज्योति मोरे वाला वही वाला उस घटना को लेकर के, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मैं और आगे पढ़ूं। बहन तुम्हारे आगे पढ़ने से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ने के बाद जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ना लोग, उससे प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल सही बात है जी, एक ज्योति की वजह से समाज में जितनी लड़कियां हैं उनको तो या सोसाइटी के उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए, ये मेरे ख्याल में नेचर होती है। अब बात यह है यार कि वो इतनी एहसान फरामोश बंदी है, उसका मैं एक क्लिप देख रहा था, कहने लगी कि मेहनत मैंने की, पढ़ाई मैंने की, वो कहाँ से आ गया हमें पढ़ाने वाला? बहन तुझे रिसोर्सेज कौन दे रहा था, फीसें कौन भर रहा था, हैं? काइंड ऑफ फ्रीडम किसने दी तुम्हें पढ़ने की? तुम्हारे घर वालों ने तो तुम पे नहीं खर्चा किया ना, तो एहसान फरामोश होते हैं भाई लोग। मेरे ख्याल में ये जो आलोक है, ये जो इसका हस्बैंड है, उसको भी हाथ धो के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। मेरे ख्याल में उसे एक अपनी ज़िंदगी का फ्रेश स्टार्ट लेना चाहिए। ठीक है, मीडिया के सामने ले आया उसकी करप्शन वगैरह जो भी है, और अगर वाकई उसने ज्योति ने करप्शन किया तो मेरे ख्याल में करप्शन पे सज़ा भी मिलनी चाहिए। अब वो दूध की धुली तो है नहीं इतनी, और आलोक को भी जो है ना अब आगे बढ़ना चाहिए यार। मतलब ऐसा सब करने से तुम्हारे पास वापस तो आएगी नहीं, आ भी गई तो तुम्हें खुश तो रखेगी नहीं, आए दिन तुम्हारे घर पर झगड़ा होगा। तो इट्स बेटर कि तुम ये समझो कि ये ऊपर वाले की तरफ से तुम्हारे लिए वक्त रहते सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई, तुम जाओ ज़िंदगी का फ्रेश स्टार्ट लो, और अब की बार ज़रा ध्यान रखना। वेल, इज्जत का मामला हो यार, कोई भी हार्ट तो हो ही जाते, गैरत और इज्जत का मामला, लेकिन बात यह है कि कुछ चीज़ें इनएविटेबल होती हैं, आप कुछ नहीं कर पाते। जैसे वो अभी एक पिछले दिनों में क्लिप देख रहा था, वो एक बंदा जो है उसको अपनी वाइफ जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ हाथों में हाथ डाले ना सबवे के उस पर घूम रही थी, तो वो बंदा पीछे से वीडियो बनाता और कमेंट्री करता आ रहा था कि फिर जब उसने उसे कन्फ्रंट किया तो उसने कहा कि अब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी ना घूमूँ। मतलब वाह दीदी वाह, इतना भी नहीं करना चाहिए यार। और सरप्राइजिंगली उसने भी पिंक पहना हुआ था, तो एक मैं कमेंट पढ़ रहा था वो कहने लगे कि भाई पिंक पहनने वाली औरतों से दूर रहो। लेकिन यार देखो सारी चीज़ें बर्दाश्त हो जाती हैं, एक जो बेवफाई है ना, बेट्रेयल है, वो बर्दाश्त नहीं होता चाहे मर्द हो या औरत हो। आप जब भी अपना लाइफ पार्टनर चुने बहुत ख्याल से चुने। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके क्या ख्यालात हैं ऐसे मर्द या ऐसे औरतों पर जो कि चीट करते हैं, आपका क्या कहना है उस पर और इस केस पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।